हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बनाकर तैयार करेंगे होममेड टमाटो सॉस। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम घर पर ही बिल्कुल मार्केट स्टाइल टमाटो सॉस बनाकर तैयार करेंगे, वो भी सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ में जो आमतौर पर घर में इजीली अवेलेबल होते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज हम बनाकर तैयार करते हैं एकदम मार्केट स्टाइल होममेड टमाटो सॉस। हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी टमाटो सॉस बनाने के लिए वो इस प्रकार हैं, आप इसको नोट डाउन कर ले। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने 1 kg फ्रेश रेड टमाटोज लिए हैं। कोशिश करिए दोस्तों कि आप जो सॉस बनाएं उसमें जो टमाटर आप यूज़ करें वो एकदम फ्रेश हो, किसी भी तरीके का निशान ना हो उनके ऊपर, जिससे आपके टमाटो केचप की जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाएगी। अब टमाटरों को धोने के बाद में उसको आप रफली कट कर लीजिए। टमाटर कट जाने के बाद में आप इसको 2 कप पानी डालकर कुकर में 2-3 विसल आने तक इसको पका लीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने टमाटर को कुकर से निकाल कर उसको ठंडा करके रख लिया है। अब इन बॉइल्ड टमाटोज को हमें मिक्सी के जार में डालकर इसकी स्मूथ प्यूरी बनाकर तैयार कर लेनी है। एकदम स्मूथ टमाटो प्यूरी बनकर हमारे रेडी है। अब हम इसे स्ट्रेनर की हेल्प से छान लेंगे। छानने से फ्रेंड्स जो टमाटो प्यूरी में बीजे हैं वो ऊपर ही रह जाएंगे और आपका जो केचप बनकर तैयार होगा, सॉस बनकर तैयार होगा, वो एकदम स्मूथ होगा। छानने से फ्रेंड्स यहाँ पर हमें एकदम स्मूथ टमाटो प्यूरी मिल गई है। अब चलिए इसके आगे की प्रोसेस करते हैं। अब हमें टमाटो प्यूरी को पकाना है। इसके लिए फ्रेंड्स हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में सारी प्यूरी डाल देंगे। प्यूरी डालने के बाद में आपको इसको लगभग 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाना है। ध्यान रखिए आप इसको थोड़ा बीच में चलाते रहिए, नहीं तो ये कढ़ाई की सतह में लग सकती है। लगभग 10 मिनट प्यूरी को पका लेने के बाद में अब हम इसमें रेड चिली ऐड करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आप कश्मीरी लाल मिर्च का इसलिए यूज़ करें क्योंकि इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है सॉस का। इसी टाइम पर हम इसमें सॉल्ट भी ऐड कर देंगे और इसी टाइम पर फ्रेंड्स हमें इसमें शुगर भी ऐड कर देना है। इन तीनों चीज़ों को फ्रेंड्स अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर दीजिए और अब एक बार फिर से आपको टमाटो प्यूरी को पकाना है। यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान रखिए आपको टमाटो प्यूरी को जब तक पकाना है जब तक कि इसमें से पानी बिल्कुल एकदम ख़त्म नहीं हो जाता है, इवेपोरेट नहीं हो जाता है, पूरा थिकनेस नहीं आ जाती है, जब तक फ्रेंड्स हमें टमाटो प्यूरी को पकाना है। थोड़ी देर में फ्रेंड्स आप देखेंगे आपकी टमाटो प्यूरी गाढ़ी होना स्टार्ट हो जाएगी, उसमें थिकनेस आने लगेगी, वो सॉस वाली कंसिस्टेंसी में चेंज होने लगेगी। जब तक ऐसा नहीं होता है आपको टमाटो प्यूरी को मीडियम फ्लेम पे पकाते रहना है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप खुद देख सकते हैं टमाटो प्यूरी एकदम थिक हो गई है, टमाटो सॉस वाली कंसिस्टेंसी की हो गई है। अब मैं यहाँ पर इसको लगभग 1 मिनट के लिए और मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी। उसके बाद में गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और लास्ट में फ्रेंड्स हम इसमें सफ़ेद सिरका यानी कि वाइट विनेगर डालेंगे। विनेगर डालने से फ्रेंड्स टमाटो सॉस की जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है। अगर फ्रेंड्स ये आप 1 हफ्ते के लिए बना रहे हैं तो आपको विनेगर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको नॉर्मल फ्रिज में रख कर भी चला सकते हैं। विनेगर डाले बिना भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, सेम आता है। लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा दिन रखने के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें सिरका ज़रूर से डालिए, इससे टमाटो सॉस की शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। अगर इसकी कंसिस्टेंसी को लेकर फ्रेंड्स आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन हो तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप एक प्लेट में सॉस लीजिए और उसको इस तरीके से टेस्ट कर लीजिए। अगर आपका सॉस नॉर्मली गिर जाता है प्लेट के ऊपर से खड़ा करने पर प्लेट को, तो आप समझ लीजिए अभी आपकी टमाटो प्यूरी थोड़ी और पकेगी तब जाकर वो सॉस बनेगी। लेकिन अगर आपका सॉस गिरता नहीं है प्लेट को खड़ा करने पर, तो आप जान लीजिए आपका टमाटो केचप बनकर एकदम रेडी है। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने टमाटो केचप को ठंडा करके पुरानी एक सॉस की बॉटल में डाल के रखा हुआ है। इसको फ्रेंड्स आप बिना विनेगर के 1 हफ्ते तक और विनेगर के साथ में 1 से 2 महीने तक आराम से चला सकते हैं फ्रिज में रखकर। सो आई होप फ्रेंड्स आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए वो भी बेल आइकन के साथ में। मैं फिर आपसे मिलूंगी किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।